तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये अनलॉक टूल का आगे का पार्ट। अनलॉक टूल के माध्यम से जो भी मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम आती है कि मतलब उसके माध्यम से कैसे मोबाइल फोन के अंदर लॉक खोला जाता है या सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाता है, इन सब चीजों के बारे में जो सारा सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं वो अनलॉक टूल के बारे में सीख रहे हैं कि अनलॉक टूल के माध्यम से मोबाइल फोन की रिपेयरिंग कैसे होगी या इसके माध्यम से सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाएगा। तो दोस्तों, कल मैंने आपको इसकी वेबसाइट के बारे में बताया था, ये हमारा पहला पार्ट था। आज मैं उसका दूसरा पार्ट आगे का लेकर के आया हूँ कि कैसे उस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने कल मैंने रजिस्ट्रेशन करना, उसको रिचार्ज करना, उसको कहाँ से आप चालू कराएंगे। आज हम बात करेंगे कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद कैसे उसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद फिर किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर खुल करके आएगा, इसके बारे में मैं वीडियो देने वाला हूँ। ये दोस्तों वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल रिपेयरिंग के सॉफ्टवेयर के नाम पे बिल्कुल जीरो हैं और वो पूरा जीरो से लेकर के हीरो तक का पूरा कंप्लीट सफर तय करने वाले हैं। वो कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन को लॉक को चुटकियों में लॉक को खोल देंगे, कोई भी मोबाइल फोन हो, सारे मोबाइल फोन को लॉक को। तो हम लोग जो सीखने वाले हैं ये अनलॉक टूल के बारे में सीखने वाले हैं कि अनलॉक टूल के माध्यम से जो भी मोबाइल फोन आएंगे उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर संबंधित की मतलब लॉक कैसे खोला जाएगा, लॉक खोलने का तरीका क्या होगा, उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो आपको देने वाला हूं और उसके बारे में आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहला तरीका, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाकर के आप लोग यहां पर टाइप करेंगे अनलॉक टूल .net, बस यहां से इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के ध्यान रखेंगे कि आप हमेशा लेटेस्ट चीज को ही डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसको उपयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपने सिस्टम पे चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसको डाउनलोड कैसे करते हैं मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका समझाता हूं। तो सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा, हमको गूगल खोलना पड़ेगा। गूगल के लिए देखेंगे हमारे सिस्टम में गूगल कहां पर है, ये गूगल हम लोगों ने खोल लिया। जब गूगल हमारे सिस्टम में ओपन हो जाएगा तो गूगल ओपन होने के बाद फिर हम लोग वहां पर सर्च करेंगे अनलॉक टूल के बारे में। अच्छा, ये दोस्तों जितनी भी सारी मैं वीडियो आपको देने वाला हूं और यही वीडियो को हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट्स होते हैं सारे स्टूडेंट सीखते हैं, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए अनलॉक टूल के बारे में वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप अनलॉक टूल को, मैंने काफ़ी चीज़ों को मैंने आप ही के माध्यम से खरीदा हुआ है या मैंने उसको कहीं से भी परचेस किया है लेकिन हम उसको चला नहीं पाते तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट जा रहा है और आप हमें इस टूल को अगर सिखा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग भी उनके लिए लेकर के आए हैं, हमने को तो गूगल खोला। गूगल खोलने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है अनलॉक टूल .net, ऐसा। जैसे अनलॉक टूल .net आप ओपन करेंगे तो देखिए वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी, ये वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट के माध्यम से आप फाइल को, सॉफ्टवेयर जो सेटअप है उसको आप डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे उसका तरीका हम लोग सीखेंगे। बिफोर प्रोसेसिंग आप इसको देखें, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, समय लगता है, डिपेंड करता है, ये हमारे नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारी नेट की स्पीड स्लो हो जाती है तो थोड़ा सा टूल भी स्लो काम करता है। ये टूल जो होता है टोटली नेट पर डिपेंड है, मतलब आपके सिस्टम का इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर इंटरनेट स्लो होगा तो उस टूल को यूज़ करने में भी प्रॉब्लम आएगी, टूल को डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम आएगी और वेबसाइट को खुलने में भी समस्या आएगी। तो देखिए आप यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर लिख जाता है अनलॉक टूल नया वर्जन, जो इस समय पर चला 30/7/2023, ये नया वर्जन है। ये जुलाई, लास्ट जुलाई में अपना लॉन्च हुआ है और उसके बाद जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिंक डाउनलोड टूल, मतलब डाउनलोड टूल का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर डाउनलोड अनलॉक टूल पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोडिंग के लिए अभी आपका दिखाने लगेगा, फिर हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद
जी हमारा जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसको फिर हम लोग ओपन करेंगे। पहले पूरा डाउनलोड हो जाने दीजिए, फिर इसको ओपन करके हम दिखाते हैं। अभी 99 पे रुका हुआ है, जैसे 100 हो जाएगा तो यहाँ पर डाउनलोडिंग के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ये जो डाउनलोड होने का तरीका होता है ये हमारी नेट सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे सिस्टम की स्पीड जैसे फास्ट होती है, स्लो होती है, उसी तरीके से ये हमारा काम करता है। अब इसको खुल जाने दीजिए, फिर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। और ओपन करने के बाद मैं आज आपको टूल के बारे में पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। इस आज के वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप टूल आपका कवर होगा और आप सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सीखेंगे, कैसे टूल काम करता है, डाउनलोड करने के बाद कैसे उसको चालू किया जाता है, कैसे एक्टिव किया जाता है, कैसे आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया जाता है, सब चीज़ों के बारे में आप पूरे जानने वाले हैं। दोस्तों ये मैं सॉफ्टवेयर का वीडियो मैं आपको इसीलिए देता हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपडेट बने रहें और हमारे स्टूडेंट नई नई चीज़ों के बारे में सीखते रहें। नई नई चीज़ों को सीखने से क्या है कि उनको रिपेयरिंग में बहुत सारी मदद मिलती है या उनके पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं। और मैं आपको अगर देखा जाए मार्केट में, एक बात मैं आपको बोलूं, मार्केट में हार्डवेयर का काम करने के लिए तो बहुत सारे टेक्नीशियन मिल जाएंगे, क्योंकि हार्डवेयर में किसी भी तरह का काम होता है। अगर एक चार्जिंग कनेक्टर लगाना जानता है तब भी हार्डवेयर है, एक मोबाइल फ़ोन में IC लगाना जानता है तब भी वो हार्डवेयर में ही आता है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर की अगर बात करी जाए तो अगर 100 लोग होंगे तो 100 में से 70% लोग जो होते हैं सॉफ्टवेयर का काम नहीं करते। वो 100 में से 70% लोग जो होते हैं वो 30% लोगों के पास जाते हैं और उनसे अपने मोबाइल फ़ोन को ठीक कराते हैं और उनका अपना आधा कमाया हुआ पैसा उनको दे देते हैं। लेकिन अगर आप अगर इस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज रखते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब फिलहाल हम आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सिखाने वाले हैं। तो ये हमारा डाउनलोड पे ओपन हो जाएगा। ये हमारा वो फोल्डर खुलेगा जहाँ से जो हम सब चीज़ को डाउनलोड कर रहे हैं और अनलॉक टूल हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद कहाँ पर आया है उसको खुल जाने दीजिए, फिर मैं उसको डेस्कटॉप में लेकर के आता हूँ और डेस्कटॉप लेने के बाद मैं आपको उसको समझाता हूँ। ये हमारा अनलॉक टूल डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड होने के बाद इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे ये टूल, इसको क्या करेंगे कॉपी करेंगे, ऐसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर लिया, अपने इंटरनेट ब्राउज़र को भी मिनिमाइज़ कर लिया, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर गए और यहाँ पर इस टूल को हमने पेस्ट करना है। जैसे टूल को हम पेस्ट करेंगे तो टूल पेस्ट करने के बाद हमारी स्क्रीन पर टूल आ जाएगा और स्क्रीन पर टूल को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब हम टूल को ओपन करेंगे तो टूल ओपन होने के बाद हमारा टूल खुल जाएगा। हमारा जब टूल ओपन हो जाएगा तो टूल ओपन होने के बाद वो आईडी पासवर्ड के लिए बोलेगा कि आप इसमें आईडी पासवर्ड डालिए और अपने टूल को लॉगिन करिए। ये अनलॉक टूल जितने भी हमारे पास जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो लोग क्लास करते हैं, उनको अनलॉक टूल का सपोर्ट मिलता है। वो लोग अनलॉक टूल के माध्यम से काफ़ी मोबाइल फ़ोन अनलॉक खोलते रहते हैं और यूज करते रहते हैं। हम इसको दोबारा ओपन करते हैं, जब ये खुलेगा तो हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। ये टूल जो भी खुलता है, मैंने आपको बताया, टोटली बेस्ड ऑन इंटरनेट
मतलब इंटरनेट पर टोटली डिपेंड होता है। जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी, इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। अब टूल खुलने के बाद मैं आपको आगे की सारी जानकारी देता हूँ कि टूल में क्या क्या कैसे यूज करना है। अब देखिए, ये जब टूल आपका ओपन हो जाता है, तो टूल ओपन होने के बाद सबसे पहली बात क्या, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, जब आपका ये टूल ओपन हो जाता है, ये टूल जब आपका ओपन हो जाता है, तो टूल ओपन होने के बाद सबसे पहली बात क्या होता है, यहां पर आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना होता है। आईडी यहां पर आपको पासवर्ड डालना होता है, और अगर रिमाइंडर करा देंगे तो बार बार आपसे नहीं पासवर्ड डालना पड़ेगा, एक ही बार ले लेगा, अपने मन से लेता रहेगा। अगर आप यहां से जाकर लॉग इन करेंगे और आपका ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहां से आप कोई नया यूजर को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या पासवर्ड यदि आप भूल जाते हैं या पासवर्ड आपका कोई शेयर हो जाता है, नहीं को आप दोबारा खोल पाते, तो इसको आप यहां से पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। उसके लिए वही वाला मेल अकाउंट लगता है जो आप लोग पहले बनाते समय डाले थे। यहां पर आईडी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आईडी पे बोलेगा कि आप आईडी डालिए, तो यहां पर मैं आपको आईडी डालता हूं etech@1212। ये हमने आईडी डाला। अब यहां पर हम अपना पासवर्ड डालेंगे, आप आईडी पासवर्ड को नोट कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन में अनलॉक टूल को खोल सकते हैं और अपने लैपटॉप में इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल जैसे जैसे सारे स्टार आप डालेंगे तो आपका पासवर्ड खुल जाएगा। अगर आप पासवर्ड चाहिए तो आप हमको फोन करिए, मैसेज करिए। ये हमारा टूल ओपन हो जाएगा। अगर ये टूल आपका टूल किसी दूसरे सिस्टम में लॉगिन होता है तो इसमें नहीं खुलेगा, अगर दूसरे सिस्टम में नहीं है तो इसमें खुल जाएगा। एक टूल को एक सिस्टम में, दो घंटे दूसरे सिस्टम में, तीसरे सिस्टम में चेंज होने में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ये टूल हमारा ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद फिर इसकी सारी डिटेल आगे खुलेगी। ये देखिए, ये टूल आपके स्क्रीन पे खुल गया है। जब आप टूल स्क्रीन पे आपका खुल जाएगा तो इस टूल के बारे में मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन देता हूं। इस टूल में सबसे पहली बात, यहां पर जितने भी सारे मोबाइल फोन है, सारे मोबाइल फोन के बारे में पूरा दिया हुआ है, जैसे MI, सैमसंग। MI पे क्लिक करना है तो सैमसंग पे क्लिक करना है तो सैमसंग कर दीजिए, हवाई करना है तो हवाई पे कर दीजिए, ओप्पो करना है ओप्पो पे कर दीजिए, वीवो, टेक्नो। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हमारे मोबाइल फोन में जो सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग होती है वो सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग दो बेस पे होती है। एक तो सबसे पहली रिपेयरिंग होती है ब्रांड के हिसाब से, दूसरी रिपेयरिंग होती है चिपसेट के हिसाब से। ब्रांड का मतलब होता है कंपनी और चिपसेट का मतलब होता है CPU, क्योंकि मोबाइल फोन को बनाने वाली कंपनी कौन सी, CPU। CPU ने ही सारे मोबाइल फोन की कंपनी को बनाया है, वो चाहे रेडमी का फोन हो, वीवो का फोन हो, ओप्पो का फोन हो, लेकिन उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, क्वालकॉम, मीडियाटेक, SPD, यही 3 प्रोसेसर घूम फिर करके सब में लगने रहे। तो ये जो आपका जो तरीका दिया हुआ है ये ब्रांड का है, और ये जो तरीका दिया हुआ है ये तुम्हारा काय का है, CPU का। ये तुम्हारा क्वालकॉम CPU, ये तुम्हारा मीडियाटेक CPU, और ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम CPU। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आपका जब भी कोई मोबाइल फोन को आप कनेक्टिविटी देंगे तो यहाँ पर आपका फोन कनेक्ट होगा, फोन कनेक्ट हो जाएगा। फोन कनेक्ट होने के बाद जब आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरी बात का ये आपका जो दिया हुआ इसे बोलते हैं समरी, मतलब आपके मोबाइल फोन के अंदर क्या हो रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख करके आएगा कि मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया, अब फॉर्मेट हो रहा है, यूजर डाटा फॉर्मेट हो गया, डन, FRP टूटा कि नहीं टूटा, ये सारी बातें यहां पर डिटेल लिख करके आती हैं और उससे आप समझ जाते हैं कि हमारा काम हो गया। ये समरी बोलते हैं। अगर किसी चीज को बीच में रोकना चाहते हो तो यहां पर स्टॉप का बटन है, आप उसको रोक भी सकते हो। दूसरी बात, यहां पर टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है।
टेस्ट पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई भी मोबाइल फोन जब कंप्यूटर से कनेक्ट कराया जाता है तो उसके बूट की जरूरत पड़ती है, कि मतलब कुछ पॉइंट ऐसे बने होते हैं जिस पॉइंट को दबा करके हम मोबाइल फोन को कनेक्ट कराते हैं। अच्छा, वो टेस्ट पॉइंट जो होते हैं हम लोग गूगल से सर्च करते हैं, लेकिन अनलॉक टूल में एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है कि टेस्ट पॉइंट का दिया हुआ है, यहाँ पर टेस्ट पॉइंट पर क्लिक करते ही जो भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन के टेस्ट पॉइंट यहाँ पर खुल करके आ जाते हैं। जब टेस्ट पॉइंट यहाँ पर खुल करके आ जाते हैं तो हमको क्या रहता है कि हमको गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं है और हम यहीं पर सारी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर दिया हुआ है। डिवाइस मैनेजर का मतलब होता है जो आप कंप्यूटर में जाकर के डिवाइस मैनेजर को ओपन करते थे कि माय कंप्यूटर में जाते थे, राइट क्लिक करते थे, राइट क्लिक करने के बाद मैनेजर पर जाते थे तब डिवाइस मैनेजर खुलता था। यहाँ पर क्या होता है कि डिवाइस मैनेजर आपका ऑलरेडी यहाँ पर क्लिक करते ही डिवाइस मैनेजर खुल जाता है। जैसे डिवाइस मैनेजर आपका खुल जाता है तो फिर आप वहां से देख सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हुआ कि नहीं कनेक्ट हुआ, मतलब मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी जो होती है वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है। दूसरी बात क्या है, फास्ट बूट मोड है, एडीबी मोड है, ये सारी चीज खुल जाती है। यहाँ पर फोन के बारे में प्रोसेस दिखाता है, जो भी मॉडल सिलेक्ट करना होता है यहाँ से हम लोग मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से सारे टूल का हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको टेस्ट पॉइंट के बारे में आज आपको समझा देता हूँ। जैसे ये हमने क्लिक किया, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पर आपका डिवाइस मैनेजर खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर क्या होता है, जैसे आप मोबाइल फोन कनेक्ट कराते हैं तो वहां पर कनेक्टिविटी दिखाता है। कनेक्टिविटी ये दिखाता है कि फोन कनेक्ट है कि नहीं, फोन कनेक्ट है, फोन कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर आपको खुल जाएगा। जो भी मोबाइल फोन को आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया है। खुल जाने दीजिए इसको अच्छे से, फिर मैं आपको पूरा समझाता हूँ। जो भी मोबाइल फोन, आपका मोबाइल फोन यहाँ पर पोर्ट बनाएगा और मोबाइल फोन कनेक्टिविटी यहाँ पर आ जाएगी। ये डिवाइस मैनेजर के फीचर है। फिर से क्लोज करिए, मैं आपको फिर समझा। अच्छा, डिवाइस मैनेजर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर डिवाइस मैनेजर खुल जाएगा। उसके बाद मैं आपको टेस्ट पॉइंट के बारे में बताता हूँ। जैसे आप टेस्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका टेस्ट पॉइंट खुल गया। टेस्ट पॉइंट किस किस चीज का टेस्ट पॉइंट खुल गया है? यहाँ पर आपके जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन के अंदर, जैसे Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo, Vsmart, Lenovo, Nokia, Samsung, LG, Asus, Meizu, Intel, other, जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उसमें से भी जो मॉडल नंबर है कि किसका टेस्ट पॉइंट खोलना है, जैसे मान ले MI, Redmi K20, Redmi 6 Pro, जैसे Redmi 6 Pro खोलेंगे तो यहाँ पर आपका प्लेट खुल गया जाएगा। इस प्लेट खुलने पर बता देगा यहाँ पर, भैया देखो दो ADL पॉइंट है, इनको जैसे चिमटे शॉर्ट कराओगे, डाटा केबल लगाओगे, फोन कनेक्ट हो जाएगा। ये बात जो तुम गूगल से पूछते थे इसने खुद ही ढूंढ के दे दिया। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको फीचर मिल जाते हैं। हमने स्क्रीन को सेज कर रखा है, क्लोज कर रहे हैं। तो देखिए टेस्ट पॉइंट खुल गया। टेस्ट पॉइंट के बाद जैसे मान लिया मेरे पास मोबाइल फोन आ गया, पहले हम लोग शुरुआत करते हैं Xiaomi से। Xiaomi पे क्लिक किया, Xiaomi के अंदर कौन सा मोबाइल फोन आ गया, जैसे मान लिया Redmi 6 Pro। जैसे Redmi 6 Pro किया तो देखो Redmi 6 Pro का बोर्ड खुल गया। वो कह रहा है चिमटे से ये दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट को शॉर्ट कराओ। यहाँ पर देखिए जूम करने का दिया, इसे करेंगे तो छोटा हो जाएगा। ये देखो पूरा बोर्ड आ गया। ये क्या है, आपका पूरा बोर्ड है। मदरबोर्ड में देखेंगे ये दो पॉइंट है, इसको आप जूम करना चाहते हो जूम कर दीजिए। तो गूगल में तो 6 प्रो डालोगे तो कहीं दो चार मॉडल आउट भी दिखा देगा, ढूंढते घूमोगे ADL पॉइंट है कि नहीं, लेकिन इसमें तो प्रॉपर दिखा रहा है कि जिस फोन का है वही दिखा रहा है, दूसरा ही नहीं। किसी दूसरे मॉडल का देखना है, Redmi 890 देख लेते हैं। ये Redmi 90 कह रहा है यहाँ पर दो पॉइंट है, इनको शॉर्ट कराइए। Redmi 5 पे ये देखिए, Redmi 5 पे ये देखिए बोर्ड है, ये ऑनर स्विच का पत्ता है, ऑनर स्विच के पत्ते के नीचे दो पॉइंटों को शॉर्ट करेंगे आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या है कि आपका मोबाइल फोन का पॉइंट बता देता है कि कहाँ पर टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। चलिए ये तो मैंने मान लो ये MI का देख लिया, मैंने वीवो का देखना तो वीवो पर चले जाएंगे। वीवो के मान लिया मेरे पास मोबाइल फोन है Y93, जैसे Y93 खोला तो बता रहा भाई ये पॉइंट है, आप इस पॉइंट को देख सकते हो, जूम करना चाहो जूम कर लीजिए, अभी पिक्चर फट रहा है, अभी पिक्चर स्टिल में भी आएगा, छोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये पत्ता लगा है, पत्ते के ऊपर दो पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद कोई दूसरा मॉडल आ गया, वीवो Y20 आ गया, Y53 आ गया, ये देखिए ये बता रहा है ये दोनों पॉइंट है, ये ऑन आपको पता लगा ना, यहाँ दो पॉइंट, दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके डाटा केबल लगाओगे आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा। तो जो भी मोबाइल फोन है उस मोबाइल फोन के जो पॉइंट्स है यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप किसी सैमसंग के मोबाइल फोन को देखना चाहते हैं, अच्छा सैमसंग में जो मोबाइल फोन है जो SPD CPU है जिसमें क्वालिकॉम CPU लगा हुआ है उसके टेस्ट पॉइंट आए हैं, और जिसके अंदर एक्सोनॉस CPU लगा है उसका कोई पोर्ट नहीं, क्योंकि वो ADB डाउनलोडिंग मोड में कनेक्ट होता है। अब मान लिया सैमसंग का जो मोबाइल फोन है A03, जैसे इसमें क्लिक किया तो क्लिक करते ही देखने इसने भी अपना टेस्ट पॉइंट निकाल दिया है। सोचा कि सब लोग टेस्ट पॉइंट निकाल लें तो हम ही काहे को पीछे रह जाए, हम भी निकाल लेते हैं, लो भाई तुम भी निकाल लो, तुम्हारे टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करा के तुमको भी लॉक खोल देंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को जैसे आप ग्राउंड से शॉर्ट कराओगे और मोबाइल फोन लगाओगे तो आपका मोबाइल फोन फट से कनेक्ट हो जाएगा, पोर्ट बना लेगा, जब फोन कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसका वीडियो मैंने यूट्यूब में काफी डाल रखा है पीछे, आप चाहो तो फ्लैश बैक में पीछे जा करके उन वीडियो को देख सकते हो और इन बातों को भी वहां पर समझ सकते हो, ये मैं आपको चलाना बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे पॉइंट को ऐसे शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करते ही आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जब आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा तो मोबाइल फोन कनेक्टिविटी होते ही वहां पर सारी डिटेल आ जाएगी कि फोन कनेक्ट हो गया। तो ये टेस्ट पॉइंट के बारे में दिया हुआ है। सैमसंग के और भी जो मॉडल आते हैं A01, अब सैमसंग A01 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है इन दोनों पॉइंट कनेक्ट कराएंगे। अच्छा इसमें ग्राउंड में शॉर्ट कराने को नहीं बोल रहा है, ग्राउंड में शॉर्ट कराने का ना मतलब है जो A01 जो है इसके अंदर दो पॉइंट है, दो पॉइंट का मतलब EDL, इसके अंदर पक्का EDL होगा, जैसे लगा के डाटा केबल लगाएंगे तब आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टेस्ट पॉइंट है आसूस का देखना चाहते हो, आसूस क्या गया, आसूस को जेन फोन, ये खुल गया, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करा के डाटा केबल लगाओगे तो आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ITEL हैं, ये लो ITEL भी रह गया, इन्होंने भी एक S42 मोबाइल फोन निकाला है, इन्होंने एक EDL पॉइंट निकाला है, मुझे लगता है ITEL पूरा दम लगा दिए, पूरा दम लगाने के बाद एक क्वालिकॉम का मोबाइल फोन निकाला है, मतलब क्वालिकॉम में वो पहुंच ही गया, मोबाइल फोन महंगा होगा 8-9 हज़ार से कम नहीं निकाला होगा, वैसे 7-8 हज़ार से कहा ज़्यादा बेचता है वो। तो ये दो पॉइंट निकाले, दो पॉइंट को शॉर्ट करा के डाटा केबल लगाओगे आपका मोबाइल फोन कनेक्ट है। EDL दे रखा है ना, EDL का मतलब है क्वालिकॉम होगा तभी EDL लिख करके आता है। तो यहाँ हमारा मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद इसको मिनिमाइज कर लीजिए। तो ये हम लोगों ने टेस्ट पॉइंट के बारे में समझा, जो टेस्ट पॉइंट को हम लोग इसको ओपन करते हैं, टेस्ट पॉइंट के माध्यम से मोबाइल फोन को कनेक्ट कराते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से हम अनलॉक टूल खोलते हैं, अनलॉक टूल को स्टेप बाय स्टेप यूज करना सीखें। तो इतना सारा सब कुछ आप लोग सीखें, उसको अच्छे से समझें। इस वीडियो से संबंधित चैनल में और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उन वीडियो को भी वॉच करें। अगर आपको अनलॉक टूल के बारे में एक वीडियो मिल जाती है तो उससे 10 वीडियो और भी हैं तो उनको भी देखें ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को अच्छे से समझें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर 6391711711 6391211211 दोनों में किसी नंबर पर आप मैसेज करें, कॉल करें। दिन में फ्री होते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से क्लास देखें, कहीं भी दुनिया के कोने में कहीं भी बैठे हो, लेकिन वीडियो कॉल तो सब जगह है, जियो इंटरनेट गूगल सब जगह बैठा हुआ है, आप कहीं से भी वीडियो कॉल मारो, क्लास देखो कैसे क्लास हो रही है, कैसे रिपेयरिंग हो रही है, कैसे मोबाइल फ़ोन ठीक करे जा रहे हैं, कैसे बच्चे लोग सीख रहे हैं,
असम, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, पुणे, बहुत दूर दूर से बच्चे हैं जो सर ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर आप भी चाहें तो आप भी आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं और यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।